पेड़ ऐसा लगाओ जो बहुत सारे पेड़ों को जन्म दे दे। मैंने 1983 में कैलाश नाम का एक पेड़ लगाया जिसने 51 लाख पेड़ लगाकर हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना दिया। नंदानगर की मशहूर बस्ती से निकलकर आने वाला कैलाश आज संपूर्ण भारत में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। ये बात राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तर ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ में कही। देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने सुनाई कैलाश का था। सत्तन गुरु ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की जमकर की तारीफ। पेड़ ऐसा लगाओ जो 51 लाख पेड़ लगवा दे। मैंने 1983 में कैलाश नाम का पेड़ लगाया जिसने 51 लाख पेड़ लगवा दिए। मशहूर बस्ती से निकलकर आने वाला कैलाश भारत में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा। अपनी वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले राष्ट्रीय कवि बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैलाश गाथा सुनाकर सदस्यता अभियान के लिए रिचार्ज किया। ये मौका था नंबर 1 विधानसभा में सदस्यता अभियान के एक कार्यक्रम का। इस दौरान सत्तन गुरु एक अलग ही अंदाज में नजर आए। सत्तन गुरु ने कहा कि एक ही पेड़ ऐसा लगा दो कि बहुत सारे पेड़ों को जन्म दे। मैंने 1983 में कैलाश नाम का पेड़ लगाया जिसने 50 लाख पेड़ लगाकर हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना दिया। सदस्य बना, पार्टी बढ़ा, एक ही पेड़ ऐसा लगा दो जो बहुत सारे पेड़ों को जन्म दे दे। उन्नीस सौ 1983 में सुदर्शन मैंने एक पेड़ बनाया था, ये कैलाश नाम था। उन्नीस सौ 1983 में कैलाश नाम का एक पेड़ लगाया था जिसने 50 लाख पेड़ लगा करके हिंदुस्तान में रिकॉर्ड खारिज कर दिया। पेड़ लगाओ तो ऐसा लगा जो तमाम सारे पेड़ों को जीवन दान दे सके। जो अटिक हो, अचल हो, अटक हो, सत्य है, मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत मानो मुझे। और किस जगह लगाया पेड़? जहाँ पर भारतीय जनसंघ को घुसने की जगह नहीं थी। सत्तन गुरु ने कैलाश विजयवर्गीय के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा बताते हुए कहा कि 1983 में 2 नंबर विधानसभा में जनसंघ घुसने की जगह नहीं थी। उस समय कैलाश विजयवर्गीय की स्थापना 2 नंबर विधानसभा में की गई और उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। हम और धारकर जी धर्म साहब बैठे हुए करने लगे क्या करें क्या करें। एक दिन रात को 3 बजे तक मेरी इनकी भेंट हुई एक मिठाई की दुकान में, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा में पहली बार कैलाश से मेरी भेंट हुई 1983 में रात के 12 बजे से 4:15 बजे तक हम उस दुकान पर बैठ करके संकल्प करते रहे। हमारे पास 2 नंबर में जगह नहीं थी, कब अपना पाँव रखने तक थी। धारकर जी और धर्म जी से बात हुई और तब बात होने के पश्चात कहा कि हम एक पेड़ लगाने जा रहे हैं और वो पेड़ लगाने के संकल्प को लेकर के कैलाश की स्थापना 2 नंबर में की। और 2 नंबर में जब कैलाश की स्थापना की तो 1983 में कैलाश ने अपनी टीम को लेकर के सारे 2 नंबर की पार्षद सीटों पर अपना कब्जा जमा करके विजय श्री का श्री गणेश किया, श्री गणेश। सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि नंदानगर की मशहूर बस्ती से निकलकर आने वाला कैलाश आज संपूर्ण भारत में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता हुआ दिखाई देता है। ये पार्टी के प्रति निष्ठा का वर्चस्व है। ये इतने ही देवता बचे हैं, कितने पानी में जा रहे हैं, जो बाकी सब असुर हैं। भारत माता की जय बोलते हैं और नारी की प्रशंसा करने में ताली बजाने से चूकते हैं। एक ही बोलेगा क्या? अरे सब बोलो, भारतीय जनता पार्टी।
म्यूनिसिपालिटी कब्जे नहीं है तुम्हारे। भारतीय जनता पार्टी का ये 83 में सबसे पहले कैलाश बैठा था और धारकड़ जी प्रथम मेयर बन करके बैठे। हमारे पास 4 लोग थे उस समय, नारायण राव धर, लालचंद जी, श्री वल्लभ शर्मा और धारकड़ जी तो थे, ये 4 लोग थे। हम लोगों ने प्रजातंत्र में विश्वास किया और विश्वास करके उस समय नगर पालिका के मेयर, नगर निगम के मेयर का कार्यकाल 4 वर्ष होता था और 4 वर्ष होता था तब 4 वर्ष में हमारे पास 4 मूर्तियां थी। हमने बैठ करके ठाकरे जी के साथ ये निर्णय लिया कि हमारे पास 4 नेता है, एक एक साल में एक एक को मेयर बनाया जाए तो ये 4ों को गौरव मिलेगा और प्रजातांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होती चली जाएगी। ठाकरे जी ने उस बात को स्वीकार करते थे कि ये प्रजातांत्रिक विचार है। मैं, निर्भय सिंह और भंवर सिंह भी जो आजकल कांग्रेस में घुसे, वो भंवर सिंह भी हमारे साथ थे और सबने मिलकर के ये निर्णय लिया। ठाकरे जी ने भी इस निर्णय को स्वीकार करती थी और हमने हमारा पहला मेयर बिठाया राजेंद्र धारकर के रूप में। और तब वो कौन सी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कैलाश को बनाया जिसने इस शहर में तमाम योजनाओं की शुरुआत की, शुभारंभ किया। तब से लगा करके आज तक 1983 से लगा करके आज कौन सा सन है, 2024। शाबाश, के पट्टे दूर छत पे भारी पड़ गए। 2024 कांग्रेस को जगह नहीं मिली नगर में, ये आपका विश्वास है, ये आपकी आत्मचेतना है, ये आपके संगठन की दृढ़ता का परिणाम है जो 1983 से लगा करके आज तक आपने नगर निगम के प्रांगण में कांग्रेसियों की सत्ता को प्रवेश करने नहीं दिया। ये विश्वास को जागृत करना पड़ेगा, शक्ति को अपनी अनुरक्ति का भाव पैदा करना पड़ेगा, राष्ट्र की उज्ज्वलता के लिए, समुज्वलता के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए हमें एक संवेश्वर से एक ही निनाद करना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारी सदस्यता मजबूत होगी और हमारी सदस्यता और संगठित के मजबूत होने के साथ साथ हम राष्ट्र को भी गौरव प्रदान करवाने की स्थिति में आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस बात की परिकल्पना करता हूँ कि आप सब मिल करके एक ऐसा संगठन का समुच्चय खड़ा करेंगे जो संपूर्ण विश्व में अपनी योग्यता को दिखाने की कामयाबी रखेगा। बोलो भारत माता की। इस दौरान मंच पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय, सुदर्शन गुप्ता, पूर्व निगम सभापति अजय सिंह नरुका सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।